मरो के एक नौजवान की दास्तान। जो मखदूम हजरत अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह के पास आया और दुश्मनों के जुल्मों सितम के खिलाफ फरियाद की। हजवेर के सैयद और मुसलमानों के मखदूम हजरत अली हजवेरी, जिनका मज़ार हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के लिए एक मुकद्दस मुकाम था, उन्होंने उस मज़ार पर चिलाकशी की। उन्होंने पहाड़ के कठिन रास्ते आसानी से तय किए और हिंदुस्तान पंजाब की सरजमीन में उन्होंने सजदे का बीज बोया। उनके जमाल से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों के दौरे अहद की याद ताज़ा हो गई। उनकी बातों यानी तबलीग से दीन हक का शोहरा आम हो गया। हजरत हजवेर रहमतुल्ला अलैह कुरान करीम की इज्जत के मुहाफिज थे। उनकी निगाह से बातिल कुफ्र शिर्क के घर वीरान होते गए। पंजाब की सरजमीन उनके दम से जिंदा हो गई। हमारी सुबह उनके आफ्ताब से मुनव्वर हो गई। वो दीन हक के आशिक भी थे और इश्क के हमा वक्त तेज रफ्तार कासिद भी। उनकी पेशानी से इश्क के भेद आशकार थे। मैं उनके वलिए कामिल होने की एक दास्तान बयान करता हूँ, और ये इस तरह के मैं एक गली में एक पूरा बाग समो रहा हूँ। एक नौजवान जिसका कद सरों की तरह बुलंद था, ईरान के एक शहर मरू से लाहौर आया। वो हजरत अली हजवेरी की बुलंद मर्तबा शख्सियत की खिदमत अक्दस में हाजिर हुआ ताकि सूरज उसकी तारीकी को दूर कर दे। उसने अर्ज किया कि हजरत, मैं दुश्मनों के दरमियान गिरा हुआ हूँ। मेरी हालत ऐसी है जैसे सराही पत्थरों के दरमियान हो। ए आसमान की इसी बुलंद वाले मर्तबे के हामिल जात, मुझे दुश्मनों के दरमियान रहकर कामयाब जिंदगी बसर करने का तरीका सिखाइए। उस दाना मुर्शिद ने, जिनकी जात में हुस्न खूबी और शफकत ने दबदबा गैस के साथ मोहब्बत का अहद बांध रखा था, हजरत ने फरमाया, ऐ जिंदगी के भेद से नाआशना इंसान, तू जिंदगी के अंजाम और आगाज से बेखबर है। तू गैरों का वसवसा दिल से निकाल दे, बेनियाज हो जा। तू एक सोई हुई कुवत है, जाग उठ। पत्थर जब खुद को शीशा समझ लेता है तो वो शीशा ही बन जाता है और टूटना उसकी फितरत बन जाता है। अगर रास्ता चलने वाला मुसाफिर खुद को कमज़ोर समझ ले तो उसने इस बायस अपनी जान की पूंजी रहजन के हवाले कर दी। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह ने उस नौजवान को खुद में कुव्वत इरादी पैदा करने और अपनी ख्वाबीदा सलाहितों को बेदार करने और बरोए कार लाने का सबक मुख्तलिफ इस्तारों में दिया जो आम फहम और वाजे हैं। तो कब तक अपने आप को पानी और मट्टी समझता रहेगा? उठ और अपनी मट्टी से तूर का सा शोला पैदा कर। अपनों से नाराज होना, किसी की खातिर दुश्मनों की शिकायत करते रहना क्यों, किस लिए? मैं सच कहता हूँ कि दुश्मन भी हकीकत में तेरा दोस्त है। इसका वजूद तेरी जिंदगी के बाजार की रौनक और गर्मी सरचश्मा है। जो कोई खुदी के मकामात से आगाह है वो अपने ताकतवर दुश्मन को खुदा का फजलो करम समझता है। दुश्मन तो इंसान की खेती के लिए बादल की हैसियत रखता है। वो यानी दुश्मन इंसान के मुमकिनात को नींद से बेदार करता है, यानी इंसान की तमाम सोई हुई कुव्वतें दुश्मन से जाग उठती हैं। अगर इंसान का हौसला मजबूत और हिम्मत पुख्ता हो तो रास्ते का पत्थर उसके लिए पानी बन जाता है। इसकी मिसाल इसी तरह है जिस तरह सैलाब के लिए रास्ते के नशेब फराज कोई अहमियत नहीं रखते। रास्ते का पत्थर अज़्म हिम्मत की तलवार के लिए सान बन जाता है। कठिन रास्तों को काटना मजबूत इरादे की तलवार की आजमाइश है। जानवरों की तरह खा पी के लेटे रहने से क्या फ़ायदा है? अगर तू अपनी ज़ात में मजबूत और मुस्तहकम नहीं है तो क्या फ़ायदा? जब तू खुद को खुदी से मजबूत और मुस्तहकम कर ले तो इस कुव्वत की बदौलत अगर तू चाहे तो दुनिया को भी तय हो बाला कर डालेगा। अगर तू फना का तालिब है तो अपनी ज़ात से आज़ाद हो जा। अगर दवा में ज़िंदगी की ख्वाहिश है तो फिर तू अपनी ज़ात में आबाद हो जा।
मरने से क्या मुराद है? यही कि अपनी खुदी से गाफिल हो जाना। तू मरने से क्या मुराद लेता है? जान और बदन की एक दूसरे से दूरी। तू हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मानिन खुदी को जाए मकाम बना ले और इसी तरह कैदी बनने से शहनशाही तक के मरहले तय कर ले। कैद खाने से उठकर तख्त शाही पर पहुंच जाएगा। खुदी के बारे में गौर व फिक्र कर और साहिब अज़्म व हिम्मत बन जा। इस तरह मर्द हक बनकर साहिब असरार हो जा। जिंदगी के भेद खुद ब खुद तुझ पर आशकार हो जाएंगे। मेरे सीने में जो राज है इसकी तासीर कहानियों के ज़रिए से करूँगा। कली को फूंक के ज़ोर से खिलाऊँगा, यानी कली को फूल बनाऊँगा। अच्छी बात यही है कि दिलबरों की बातें और राज दूसरों की बातों यानी इशारों कनाइयों में बयान की जाएं तो बहुत दिलकश दिल आवेज़ बन जाते हैं। ये आखिरी शेर मौलाना रूम की मसनवी का है।